Hello, hi, Hi. how are you? Fine, thanks. So, are you from Italy. Italy? Yes. Okay, friends, इटली से आए हुए हैं म्यूजियम ऑफ टॉयलेट एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेशनल. और हाउ इज योर ट्रिप इंडिया? हाउ इज इंडिया? Very, very nice. Very नाइस. beautiful. ओके. Wonderful. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई होप आप और आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक होंगे. आज हुआ फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक नया कॉन्टेंट लेकर के, और आज का कॉन्टेंट बेहद खास होने वाला आप सबके लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे खड़ा हूँ मैं दिल्ली के महावीर इनक्लेव एरिया में. और महावीर इनक्लेव का पार्ट वन एरिया बहुत ही फेमस है. यहाँ पे म्यूजियम है, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स है. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वहाँ से स्टार्ट है सुलभ शौचालय हमारा ये जो है, और यहाँ से पूरी इसकी बिल्डिंग है, पूरा अंदर पूरा बना हुआ है. फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए बड़ा यूनिक कॉन्टेंट लेके आया हूँ सुलभ शौचालय इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट का. अंदर लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा, पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना. यहाँ से फ्रेंड्स आपको एंट्री करनी पड़ेगी. ये कुछ आपको एक स्ट्रीट मिलेगी अंदर जाने के लिए, सी म्यूजियम एंट्रेंस. फ्रेंड्स आ चुका हूँ आपके सुलभ शौचालय इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स में, और यहाँ पे किस टाइप के आपको कमोड मिलने वाले हैं सारी मैं हिस्ट्री आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में. आइए एक बार अंदर चलते हैं. बहुत शांत इलाका है, मतलब ये जो पूरा कॉलोनी के बीच में बना हुआ है. आप टाइमिंग देख सकते हैं सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स का ओपन 7 days week में ओपन है. कुछ यहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, आर्ट बहुत प्यारा बनाया हुआ है यहाँ पे. सी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं. वाओ, आइए मैं यहाँ पे आपको सर से मिलवाता हूँ. सर इस म्यूजियम के बारे में आप सभी को ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, और एक एक डिटेल में यहाँ पे पता करने वाला हूँ आप सबके. सर से आपको मिलवाता हूँ एक बारी. हेलो सर, कैसे सर आप? ठीक है सर, मेरा नाम चंदन कुमार है. मैं इस म्यूजियम में टॉयलेट म्यूजियम में असिस्टेंट क्यूरेटर. अच्छा, असिस्टेंट क्यूरेटर. ओके, तो सर आज का जो हमारा जो पूरा एक्सप्लोर होने वाला है, जो पूरा म्यूजियम का एक्सप्लोर कराएंगे हमको चंदन सर कराएंगे, तो कराएं सर एक बारी. म्यूजियम हमारा 1992 में एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे. ये है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, यही सुलभ के फाउंडर है, और पूरे इंडिया में सुलभ अपने आप में कीर्तिमान है. आज के टाइम में अगर सुलभ नहीं रहता तो लेडीज की क्या कंडीशन होती टॉयलेट से रिलेटेड. आज खुद आपको कहीं टॉयलेट लग जाता है तो सबसे पहले आप क्या खोजते हैं? सुलभ. सुलभ यार, सुलभ कहाँ है, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं. तो सुलभ सबके लिए इम्पोर्टेंट. जिस तरह आपके लाइफ में खाना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह पैक खाना भी इम्पोर्टेंट. बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात. तो लेकिन हम शौचालय के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, नहीं यार क्या सोचेगा. लेकिन अगर हम मॉर्निंग में फ्रेश नहीं होते हैं तो पूरा दिन बेकार जाता है. एग्जैक्टली. शरीर से हमारा इतना बेस्ट निकलता है तो लगता है हम राजकुमार बने, तो पूरा दिन हम गुड फील करते हैं. Yes, तो अब हम म्यूजियम के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूजियम. ये वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूजियम ऑफ टॉयलेट है जो मैं आपको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ यहाँ पे. वर्ल्ड का मतलब आप समझ सकते हैं हमारे इंडिया में, वो भी दिल्ली में. अगर आप दिल्ली में कहीं पे तो आपको विजिट करना बहुत जरूरी है. अच्छा, इस टॉयलेट सीट का नाम है बुक शेप टॉयलेट. बुक के फॉर्म में बना टॉयलेट सीट. ओके, बुक शेप टॉयलेट. कभी आप सोच सकते हैं कि हम बुक पे बैठ के लैट्रिन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन फ्रांस ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को लिया. ओके, मैकबेथ रिटन बाय शेक्सपियर. ओके, तो फ्रांसीसी ने क्या करा, शेक्सपियर को और ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर को लिया. ओके, बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाया, और इसी बुक पे बैठ के लैटिन करते. अच्छा, इसी बुक पे जो पूरा आप मेरे को हिस्ट्री बता रहे हो पूरा है जी. तो इंसल्ट करने का नया तरीका था. फ्रेंड्स आपने देखा ये इंसल्ट करने का तरीका था, जो कंट्री वाइज इंसल्ट ऑल टाइम पे हुआ करता. तो ये है आपका मल्टीपर्पज टेबल. मल्टीपर्पज टेबल जी. ओके, जो ब्रिटिश लोगों ने यूज किया पिकनिक और हंटिंग के लिए. पिकनिक और हंटिंग के लिए जी. ओके, देख रहे हैं एक टेबल है. Yes. तो इस पे वो खाना खा रहे थे, इस पे बुक पढ़ रहे थे, प्लेइंग कार्ड खेला. ओके, फिर जब उनको कॉल ऑफ नेचर आती है, जब उनको प्रेशर आता है, बिल्कुल खाना छोड़ के नहीं जाते. अच्छा, अरे ये क्या है, इसको टेबल को आपने ऊपर कर. अच्छा, इसके नीचे ये. तो ईट शीट एंड शीट. ओके, शीट एंड शीट. फ्रेंड्स आपने देखा, मतलब इमरजेंसी कॉल अप के लिए उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, वो उनको वॉशरूम की जो फैसिलिटी बिल्कुल उनके पास ही थी. लाइक आप देख सकते हैं. लेकिन आप अपने इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, हमारे इंडियन कल्चर में बिल्कुल अलाउ नहीं है सब चीजें. बिल्कुल. ये है लुईस फिलिप 14 का टॉयलेट. लुईस फिलिप जी, जो फ्रांस के बहुत बड़े राजा थे. बिल्कुल बिल्कुल, लुईस फिलिप. लेकिन उनको प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन थी. ओहो, इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं कर पाते. ओके, तब टाइम मैनेज के लिए उन्होंने क्या करा, अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बनाया. अच्छा, उन्होंने थ्रोन, फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, उन्होंने अपने थ्रोन के बीच में, बिल्कुल देख सकते हैं, उनको कहीं जाना ना पड़े, उनको कॉन्स्टिपेशन की बड़ी शिकायत रहती थी. उन्होंने बिल्कुल, इसमें आपको दिखाता हूँ, ये उन्होंने यहीं पे बनवा दिया. अरे वाह,
इसपे बैठ के वो ऑडियंस को लेक्चर भी देते, फिर पर्सनली काम भी करते थे। यहाँ पे किस टाइप का उन्होंने पूरा एक जुगाड़ बनाया हुआ था, मतलब उनको ज्यादा दूर जाना भी ना पड़े और जो अपनी जनता से यहीं पे बैठे बैठे ही बात कर ले। हम तो इंसान है, आज भी ओपन में यूज करते हैं, लेकिन थाईलैंड में क्या है, हाथियों को ट्रेन किया जाता है और एक बिग लेसन है हमारे लिए। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिग लेसन। थाईलैंड वालों ने क्या किया, हाथियों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। ओके और आज के डेट में वहाँ इतने बेल ट्रेन हाथी हैं कि इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं करते हैं। थाईलैंड में उनको पूरा ट्रेन किया जाता है। उसके बाद अभी जो वहाँ पे कंडीशन क्या है, वहाँ पे जो एलिफेंट है बाहर, जो एनिमल जो एलिफेंट जाते हैं वो बाहर शौच नहीं करते हैं, उनको यही कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है थाईलैंड में। सोफा कम टॉयलेट में क्या है, ये सबसे ज्यादा ब्रिटिश कैसीनो में यूज हुआ। ब्रिटिश कैसीनो? ओके कैसीनो में क्या था, वो इसी पे बैठ के गेम खेलते। ओके गेम जब काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है वो गेम छोड़ के नहीं जाते, जब उनको टॉयलेट आती तब एग्जैक्टली तब वो क्या करते, ऐसे उठाया और इसी पे वो गेम भी खेलते और साथ में शौच भी करते हैं। अच्छा कपल टॉयलेट फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर लव वन, मतलब ये रीसेंट का जो है टॉयलेट बहुत ज्यादा भी ट्रेंड में चल रहा है, बताया सर ने मुझे। तो अब हम इतने डेवलप हैं, इतने डेवलप एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि मतलब अपने लव वंस को साथ में आप वॉशरूम जा सकते हैं, मतलब भी ट्रेंड। अभी इंडिया में तो कल ये नहीं है, नहीं। अभी कहाँ पे अभी ये ट्रेंड में है, ये सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री ब्रिटिश में ज्यादा यूज हो रहा है। ओके फ्रांस में है आपका, ये सब आपका, ये वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट है, स्पेस टॉयलेट। स्पेस टॉयलेट जी, स्पेस में यूज होता है। अच्छा स्पेस में, कॉस्ट है इसका $19 मिलियन। $90 मिलियन स्पेस वाला टॉयलेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, अमेजिंग यार। स्पेस में क्या है, पानी पीने का सोर्स नहीं है तो पानी कहाँ से यूज करेंगे पीने के लिए, जो रिसर्च के लिए लोग जाते हैं, जो आपके एस्ट्रोनॉट है। बिल्कुल, इसमें क्या है, जो भी आप यूरिन यूज करते हैं उसी को रिसाइकल करता है, प्यूरीफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है। अच्छा, यही प्यूरीफाई यूरिन ये लोग पीते हैं जो रिसर्च के लिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बड़े यूनिक चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर आप आएंगे तो एग्जैक्टली आपको भी सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। लाइक यहाँ पे क्या, किस टाइप की हिस्ट्री थी हमारे टॉयलेट्स की, यार बहुत अमेजिंग है ये। हम इसका सुजॉक थेरेपी, सुजॉक जी। ओके जैसे कहीं आप पार्टी फंक्शन में हो, ट्रेवलिंग में हो या मीटिंग में हो, उस समय आपको कॉल अप नेचर आता है, प्रेशर आ जाती है, तब क्या करेंगे। मीटिंग ऐसी चीज है जो हम छोड़ के जा नहीं सकते और प्रेशर भी कंट्रोल करना, सर बिल्कुल सही बात है। तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर शर्पार है कोरिया के, उन्होंने डेवलप किया कोरिया के जो डॉक्टर है, उन्होंने सुजॉक थेरेपी बताया है। कुछ इसमें आपको प्रेशर आ रहा है, अगर आप जा नहीं सकते बाहर कहीं पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन बात क्या है इसमें, जैसे आप पेन और पेंसिल के नोब से अपने किसी भी हाथ से एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम 3 से 4 बार डॉट डॉट करेंगे तो हमारा प्रेशर है वो करीब 1 घंटे के लिए कंट्रोल हो जाएगा। रियल है, हम लोग भी यूज किए। अच्छा आपने किया है फ्रेंड्स, रियल है एंटी क्लॉक वाइज में, अगर आप यहाँ पे ऐसे करके स्क्वायर बनाएंगे तो वो कुछ 1 घंटे के लिए आपको एक्सटेंड हो जाएगा जो प्रेशर आपका, क्या कहें फ्रेंड्स। सिर्फ आप एंटी क्लॉक वाइज ही करें, एंटी क्लॉक वाइज, अगर आप क्लॉक वाइज करेंगे जो थोड़ा प्रेशर है वो और पूरा हो जाएगा, तेज हो जाएगा। क्लॉक वाइज होता है, इस साइड पे जो घड़ी घूमती है, एंटी क्लॉक आपको उल्टे साइड पे करना है, उल्टी साइड पे करना है, तो ही आपको जो प्रेशर है एक्सटेंड हो पाएगा। जापान की टोटो कंपनी ने बनाया, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप यूज करने के लिए जाते हैं फुल्ली फ्रेश नहीं होते, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब आप इस सीट पे बैठेंगे, ये सीट वाइब्रेट करके मसाज करेगा। अच्छा मसाज करेगा पहले, मसाज बैठने के बाद जी, तो प्रेशर हाई हो जाएगी, जब फ्रेश होंगे तो क्लीन करेगा, ड्राई करेगा, अच्छा सुनने का मन किया ऑडियो चलेगी। अच्छा इतनी सारी फैसिलिटीज में फ्रेंड जी, कुछ यहाँ पे आपको बटन्स भी दिए हुए हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, मतलब इतना कुछ, जापान में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वैसे भी आगे रहती है हमेशा। सर से मेरी भी बात है, सर ने बोला इस म्यूजियम की सबसे यूनिक चीज आपको दिखाने वाला, अभी देखते हैं अभी क्या कुछ आगे होने वाला। यूनिक चीज में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप घरों में ऐसा सीट यूज करते हैं। एग्जैक्टली सही बोल रहे, बिल्कुल यही सीट होती है हमारे पास, यही सीट है बिल्कुल। ऐसे सीट को आप क्या नाम देते हैं, इंग्लिश टॉयलेट बोलते हैं, इंग्लिश टॉयलेट, एग्जैक्टली इंग्लिश टॉयलेट बोलते हैं। तो अपने इंडिया में इंग्लिश आई कहाँ से, यूरोप से, यूरोपियन कंट्री से, एग्जैक्टली राइट। तो उसी टाइप में इंग्लिश सीट भी फर्स्ट टाइम यूरोप में यूज होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा इंग्लिश सीट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया इन 2500 BC इन मोहनजोदारो, वो भी आज नहीं करीब 5000 साल पहले, बिल्कुल हमने इंग्लिश सीट अपने इंडिया में यूज की। अच्छा उस टाइम की सभ्यता में ये सब चीजें बताई गई थी और हमने यूज किया। ओके और हम साइंस के जमाने में जी रहे हैं तो हमें प्रूफ चाहिए, तब हम भरोसा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम उस टाइम पे सही बता रहे हो। तब हम प्रूफ के लिए आपको एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं, इमेज दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, मिडिल में होल था, बिल्कुल बैठ के डेफिकेट किया, बिल्कुल जो भी वेस्टेज था नीचे आया,
बिल्कुल फ्लश होने के बाद सारा ह्यूमन वेस्ट आउट ऑफ विलेज जाती थी विद ड्रेनेज। ये ड्रेनेज सिस्टम देखा गया है जो सभ्यता थी उस टाइम पे देखा गया। बिल्कुल सही बात है, मैंने पढ़ा भी हिस्ट्री में। आपने पढ़ा? बिल्कुल। और ये इंग्लिश शीट है, यही है ना आपका इंग्लिश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग थोड़ा सा डेवलप हो गए, मॉडिफाई हो गए, मॉडिफाई मेटल यूज कर रहे, बट ये उस टाइम पे बनाई गई थी। लेकिन उस टाइम का ब्रिक्स अपने आप में डेवलप थी। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, बिल्कुल आपने फैक्ट बात बताई बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम इंग्लिश शीट ड्रेनेज सिस्टम और रेन हार्वेस्टिंग हमने अपने इंडिया में यूज करा। लेकिन आज के डेट में इस शीट का क्या नाम है? इंग्लिश टॉयलेट। सोचिए फर्स्ट टाइम हमने यूज किया और पूरे वर्ल्ड को हमने दिया, लेकिन आज के डेट में इंग्लिश शीट बोला। अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा। बिल्कुल मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है। तो अक्षय कुमार जी यहाँ आए थे इस म्यूजियम में और ये इन्फॉर्मेशन अपने साथ ले गए और उन्होंने अपने मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा में बताया। जॉन हैरिंगटन ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम डब्ल्यू शेप बनाया। डब्ल्यू शेप? जी डब्ल्यू सी सीट। अच्छा ओके। डब्ल्यू सी स्टैंड फॉर वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट जिसे आप फ्लश टाइप टॉयलेट बोलते हैं। फ्लश एग्जैक्टली पानी पूरा नीचे जो आता है पूरा यूज करने के बाद फ्लश करते हैं। फ्लशिंग सिस्टम इन्होंने बनाया। जॉन हैरिंगटन ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने जो फ्लश सिस्टम, जैसे कि पहले जो आप टॉयलेट में जाते थे उस टाइम पे पानी नहीं हुआ करता था, तो यही वो शख्स हैं जिन्होंने पानी की व्यवस्था पूरे टॉयलेट से अटैच करी है। 1920 में अमेरिका में ऐसा टॉयलेट सीट यूज हुआ था। इसमें क्या था, ये ज्यादा ऑफिस के लिए यूज होते थे। ऑफिस? हाँ ओके। इसमें मेन बात क्या थी, इसमें टू फ्लोर्स होते थे। ओके। एक था लोअर फ्लोर, ये लोअर फ्लोर हो गया जी, ये लोअर फ्लोर था आपका। यस। और ये था अपर फ्लोर। अपर फ्लोर ओके। लोअर फ्लोर जो था वो हमेशा ऑफिस के स्टाफ के लिए रिजर्व था। अच्छा स्टाफ के लिए जी। ओके। जो भी अपर फ्लोर था वो हमेशा बॉस के लिए रिजर्व था। अच्छा कंपनी का हेड है। हेड बिल्कुल। बिकॉज बॉस इज बॉस। बॉस इज बॉस। बस माइंड में था कि यार मैं बॉस हूँ, मैं आपके ऊपर जाऊंगा, आप जूनियर हो, आप नीचे जाएंगे। अरे क्या कंपैरिजन। आप देख रहे हैं पीरियड आपका यूज हुआ 1920 एग्जैक्टली। लेकिन आज भी ऐसा पीरियड चल रहा है, अभी भी स्टिल है, बहुत जगह है। ओहो। क्योंकि बॉस का कोई चीज हम यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते एग्जैक्टली। बॉस इज बॉस। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक टूरिस्ट है, उनसे मिलवाता हूँ। यस हेलो। हाय। हाय। हाउ आर यू? फाइन थैंक्स। सो आर यू फ्रॉम इटली? इटली। ओके फ्रेंड्स, ये इटली से आए हुए हैं म्यूजियम ऑफ टॉयलेट एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेशनल। और हाउ इज योर ट्रिप इंडिया? हाउ इज इंडिया? वेरी वेरी नाइस। नाइस। ओके ओके। आई वांट टू कम हियर। Okay, would you like to say something for my viewers? About the museum? Yeah, about the museum, for the museum. It was very, very interesting. Interesting. For all the history. It's all the history. Something that we use every day. Okay, okay, yes. liking this kind of places? It's also fun, yes. Okay, so have you find any toilets here for related to Italy? There was a Pompeii and there was okay. Also Roman were very famous from Bath. Okay, okay, okay. Thank you so much. फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे टूरिस्ट बहुत, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे इटली से, तो एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, उन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लोर भी किया। उनको जो एक इटली के टॉयलेट्स जो यहाँ पे उन्होंने देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छा लाइक भी करा। ये सारी चीज़ें उनको जो है पसंद आ रही है। टॉयलेट के लिए जाते हैं तो देखते हैं लिखा होता है लेडीज और जेंट्स, तो उस लिखे हुए को देख के हम जाते हैं। लेडीज exactly. में जाती है, जेंट्स 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 में जाता है। कभी आपने ऐसा सोचा कि इससे पहले भी कुछ ऐसा सिस्टम रहा होगा कि लेडीज लेडीज में जाए या जेंट्स जेंट्स में जाए? मैं भी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन पहले भी ऐसी बात थी। अच्छा, ये आपका जेंट्स का डोर हैंडल है, ये आपका लेडीज का डोर हैंडल। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइम पे जो है लिखा नहीं करते थे वॉशरूम के बाहर, तो उनको ऐसे रिकॉग्नाइज करना पड़ता था। हैंडल डोर जो है सिंगार होता, सिंगार बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं सिंगार हो रखा है पूरा इनके पीछे लेडीज के ऊपर जो है, और ये लेडीज का डोर जो हैंडल है, और एक ये जेंट्स का, जेंट्स के आप पीछे ऊपर देख सकते हैं पूरा क्राउन है और कुछ इस टाइप से शेप दी हुई है पूरे हैंडल जो है। लेडीज और जींस की यहाँ पे जो पहचान किया करता था ओल्ड टाइम पे। ये है हमारा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट, जिसमें मैंने आपको बताया काफी यूनिक चीज जो हमने 2500 BC से लेकर रिसेंट में जो टॉयलेट सीट यूज करे सब आपको बताया। लेकिन आज के डेट में मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि टॉयलेट आज के डेट में भी सही से लोग बात नहीं करते, लेकिन टॉयलेट हमारे लाइफ का बेस्ट पार्ट है। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखा आपने, मैंने आपको सारी हिस्ट्री जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया, सर ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे व्यूवर्स को इतनी अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी, उनको सारी चीज़ें बताई, उनको जो ओवरऑल इंडिया से मेरी वीडियो देख रहा है।
आप बहुत लकी हैं फ्रेंड जो चंदन सर के थ्रू आपको जो पूरी हिस्ट्री आपको पता चली। अगर आप यहाँ पे आएंगे दिल्ली में तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखने को मिलेगी। मैं पूरी वीडियो में कवर नहीं कर सकता, बट ओवरऑल मैंने इसको आपको पूरा एक जो है मेन जो आपको इन्फॉर्मेशन थी वो सारी वीडियो में दे दी है। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सो मच। आपने बेहद खास है फ्रेंड्स, आप आएंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं दिल्ली में आने के बाद उनको जो घूमने की जगह के साथ साथ जो है आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आपके फैमिली में कोई किड्स हैं या कुछ आप हिस्ट्री उनको पसंद है, इतिहास उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं और एक उनको इतिहास बेहद खास देखने को मिलेगा जो उनको मे बी शायद ये बुक्स में नहीं मिलने वाला और किताबों में ये चीज़ें नहीं मिलने वाली उनको, जो ये आप रियलिटी में देखेंगे यहाँ पे आने के बाद। हमारा सुलभ का पैन ट्रैप है ये फ्रेंड्स, ये सुलभ का इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग का है, खुद का है खुद का। और कुछ आप डिग्री बता रहे थे इसमें, ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने बनाया टू पिट फोर फ्लश कम्पोस्टिंग टॉयलेट। ओके, मतलब दो गड्ढे वाले शौचालय, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी आपका 1970 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने स्टार्ट करा। ओके, इसमें मेन बात क्या है, एक गड्ढे का एज है आपका तीन साल। ओके, दूसरे का भी एज है आपका तीन साल। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले गड्ढे को वहाँ सील कर दिया, ठीक है, सील कर दिया बिल्कुल, यहाँ पे पत्थर लगा दिया ताकि यहाँ वाला फिल हो, और फर्स्ट ओपन कर दिया, ठीक है। जो भी बेस्ट मटेरियल आपका है सब इसमें आएगा, राइट। अब जो बेस्ट मटेरियल है आपका इसमें आ रहा है, ठीक है, छोटे छोटे होल्स है, सॉइल से कनेक्टेड है ताकि इसमें जो भी बेस्ट मटेरियल है वो आपका ड्राई हो रहा है, राइट, यूरिन में वो ड्राई हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, अब तीन साल में गड्ढा फुल हो गई, ठीक है, तो हम इसको वहाँ कवर कर दिया, अब दूसरे वाले को ओपन कर देंगे, राइट, ये वाला ओपन हो जाएगा, जब वो फिल हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब दो साल तक क्या है, जो भी बेस्ट मटेरियल है इसमें तो नहीं आ रहा है, सब उसमें जा रहे हैं, सही बात है। अब दो साल में इसमें जो भी कुछ नहीं आ रहा है तो ये क्या है, धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सारे ह्यूमन वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकलने के बाद जो आपका बेस्ट मटेरियल है आपका, हाँ हाँ, वो आपका ऐसा होता है। ओके, ये वेस्ट मटेरियल आ गया पूरा, बेस्ट मटेरियल, ये एक्चुअल रियल है, ये रियल है, ओह ये रियल है, ह्यूमन वेस्ट है आपका, ओहो ओके, मैन्यूअर है। अब इसको क्या करते हैं, हम इस तरह खेतों में यूज नहीं करते, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद इसको हम पाउडर फॉर्म में लाते हैं, ये आपका पाउडर फॉर्म, और ये आपका नेचुरल कंपोस्ट है, और इसे आप ब्लैक गोल्ड। फ्रेंड सर ने मुझे बताया ब्लैक गोल्ड मतलब ये प्योर हो चुका है, इनके जो पूरे यहाँ पे पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे, उनमें यही यूज़ करते हैं ब्लैक गोल्ड। अक्षय कुमार जी आए थे तो यही वो ब्लैक गोल्ड की बात कर रहे थे, ये जो आप देख सकते हैं, देखो ये पूरा प्योर है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है पूरा, ये देखो ये पूरा इसको ड्राई ग्राइंड करने के बाद हमेशा पानी स्टोर रहता है, राइट, ये तो बहुत गहरा है वैसे, तो सीट में कभी सोचा कि पानी इसलिए स्टोर रहता है, ये तो भैया मतलब वो काफी यूनिक चीज़ है। और ये सुलभ का पैन है, काफी डीप होता है, डीप है, बहुत ज्यादा डीप है, मैं देख रहा हूँ इसको, प्लास्टिक का आपका है ये, कुछ फाइबर का बना हुआ, कीट यूज करते हैं उसमें, पानी से फ्लश करते हैं, कम से कम 6-7 लीटर फ्लश होने में, राइट, 6-7 लीटर। लेकिन आप अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारी 1 लीटर की डब्बा, 1 लीटर का डब्बा, राइट, तो पहला लीटर इसमें जाना, ओके, राइट, अब ये 1 लीटर में देख रहे हैं पानी आपका गिरने लग गया, राइट। अब दूसरा लीटर हमने डाला, सारा बेस्ट मटेरियल, अच्छा उसमें चले गया, इसमें आ गया, ओके, तो 2 लीटर में सारा का सारा फ्लश हो जाएगा। ये टेक्निक है इसके अंदर की, इसमें ज्यादा पानी यूज नहीं हो सकता, नहीं होगा, तो सेव कर 4-5 लीटर पानी सेव हो गया हमारा, सीट में ऐसा ही पानी स्टोर रहता है, बिल्कुल रहता है। फिर हमने यूज किया फ्लश करके, इससे कनेक्ट रहता पूरा पिट से। जब आप इसमें यूज करेंगे तो इसमें काफी बैक्टीरिया होगी, काफी स्मेल होगा, ठीक है, वो सब नीचे से आके यहाँ से आके यहाँ स्टोर हो जाएगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, फिर ऊपर स्मेल नहीं जाएगी जी। तो ये आपका वाटर सील मतलब पानी वो स्मेल के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि इसमें नीचे वाली जो स्मेल ऊपर ना जाए, हमारे तक नहीं जाए, बैक्टीरिया हमारा ऊपर ना जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन दबा देना ताकि आने वाले वीडियो के सभी अपडेट आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन बटन दबाएंगे। यूनिक कंटेंट है, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो भी है दिल्ली आ रहा है, या फिर दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो यहाँ का प्लान बना सकते हैं। आपको एक रिच हिस्ट्री देखने को मिलेगी टॉयलेट्स की, म्यूजियम में बहुत सारे टॉयलेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो आप काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर मेरे पीछे बने हुए पूरा आपको जो विलेज में देखने को मिलेंगे, आपको जो है दूर दराज एरिया में देखने को मिलेंगे, जगह पर कुछ इस टाइप के आपको गाँव में देखने को मिलेंगे, पूरा बांस से बना हुआ है, पूरा कवर है यहाँ पे, आपको पर्दे लगाए हुए हैं ये देखिए,
और इसको बनाने का खर्चा देखो बता 1640 मॉडल नंबर 2 कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पे 2185 रुपये है और पाँच यूज़र के लिए 2 साल की कैपेसिटी के लिए 11311 रुपये का पूरा ओवरऑल आपको पड़ने वाला। फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन जो कि यहाँ पे आपको आ रहा है ये मजेंटा लाइन है तो मारवीन के पार्ट 1 के पास ही ये 1640 है। तो यहाँ पे आप किसी भी एड्रेस पूछेंगे आप रिक्शे वाला आपको 10 रुपीज़ लेगा, आपको मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे ड्रॉप कर दे। अभी मैं आपको जो है बायोगैस के प्लांट में लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ कहाँ कहाँ पे यूसेज होते हैं उसका बायोगैस का, तो वो अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे किचन है जो यहाँ से पूरा जो बायोगैस निकलती है राइट वो यहीं पे यूज होती है किचन के लिए, तो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ भी है और सी बायोगैस होल्डर पूरा यहाँ पे ना ये बनाया पूरा स्ट्रक्चर बनाया बायोगैस का। ये पानी वो वाला पानी जो पूरा यहाँ से भी फिल्टर होके निकला हुआ है बट इसको आप कंजप्शन नहीं कर सकते, इन्हें लाइक नहीं है इस टाइम पे। अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं यूवी चैम्बर, ये यूवी चैम्बर से निकला हुआ है और इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आपको जितने प्लांटेशन यहाँ पे हुए यहाँ पे जो 1640 में भी करा हुआ है इसमें इन लोगों ने सब में यूज़ किया हुआ है बट इसको कंजप्शन नहीं कर सकते। टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें पता है आपको जो प्योर वाटर है वो वेस्ट जाएगा पूरा, तो इसलिए इसको भी वो यूज़ कर सकते हैं। सुलभ में यही पानी जो है यूज़ हो रहा है फ्लशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसी वाटर को बाहर आप देखेंगे सुलभ के बाहर जाएंगे जो वहाँ पे जो टॉयलेट्स वगैरह बने हैं। वैसे फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं मेंटल लैंप है, ये जो बायोगैस से चलाएंगे भी देखो सर ऑन करना इसको एक बारी, ये कुछ जलाएंगे यहाँ पे ओहो कुछ, हाँ ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी रोशनी है 40 वाट का जो बल्ब जितनी रोशनी देता है एग्जैक्ट आपको उतनी रोशनी इससे मिल जाएगी। अभी आपको दिन में दिख नहीं रहा, मैं हल्का सा क्लोज भी लेके जाता हूँ सी, वो आपको वहाँ पे जो दिख रहे होंगे भी यहाँ पे फ्लेम। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोगैस। फ्रेंड्स अभी ऑन भी कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोगैस फ्लो मीटर, ये पूरा चैम्बर से कनेक्टेड है, अभी यहाँ पे इन्होंने ऑन करा है ये लाइटनिंग आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है ये लाइट अभी ऑन हो चुकी है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ, पूरा ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है यहाँ पे सी, और ये प्रेशर है ये गैस की रीडिंग है, यहाँ पे गैस कितना अभी यूज़ हो रहा है कितना नहीं हो रहा है चल रहा है इसमें देखो आप, बाकी ये प्रेशर है यहाँ से प्रेशर चेक करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के लिए मैंने कंटेंट कवर कर लिया, आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी पूरी हिस्ट्री की जो पूरी रिच हिस्ट्री हमारे टॉयलेट्स की, और आपको पसंद भी आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको पार्ट कौन सा अच्छा लगा पूरे म्यूजियम का सेक्शन का, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं पहली बार आए हैं विजिट पहली बार किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर सकते हैं बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो के सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, आने वाले टाइम में बेहतरीन कॉन्टेंट आप सभी को मिलते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ओके फ्रेंड्स स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।